وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكى اسم ربه فتزكى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان المبارک اس کا ایسے گزرتا تھا
क्या पूरी रात मस्जिद में आके देखे मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और सब लोग इसकी गवाही दे। और फिर उसके बाद उनके होते हुए गल्ला मंडी मस्जिद के यानी मस्जिद कमेटी के चेयरमैन बन गए थे भाई महमूद अहमद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद। अल्लाह ने इनमें बहुत सारी खूबियां रखी थी, उनमें से सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने मामूलात के पाबंद थे। कहते हैं कि दावत तबलीग का नचोड़ यह है कि मालूमात मामूलात बन जाए, जिसका इल्म है वो अमल में आ जाए, इसी को तबलीग कहा जाता है। सिर्फ कहना तबलीग नहीं, खुद अमल करना तबलीग। तो उनकी जिंदगी ये थी कि अगर उनको हदीस का पता चल गया है कि इसका ये फायदा है, रोजाना उस पर अमल करता है, किसी आलिम ने बता दिया है कि सूरत फातिहा पढ़ने का फला वक्त ये फायदा है, तो वो उस वक्त पढ़ने की आदत बनाई। कई मसायब या मसायब में बयान करता था, हम लोग खुद भूल जाते हैं कहकर भी, और बाद के बाद दो चार दिन बड़े शौक से पढ़ते हैं, तीसरे चौथे दिन वैसे भूल गए, किसी काम से लग गए। उनकी कैफियत ये थी कि इशराक का वक्त है तो वो मस्जिद में है, चाश का वक्त है तो वो मस्जिद में है, जोहर से असर देखो तो मस्जिद में है, असर के बाद मगरब तक देखो तो मस्जिद में है, मगरब के बाद सूरत वाकिया पढ़ रहे हैं, ईशा के बाद सूरत गुल पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद की योमिया तिलावत कर रहे हैं, अपने नवाफिल का इंतजाम कर रहे हैं, तस्बीहात का इंतजाम कर रहे हैं, घर जाते थे वुजू करके फिर मस्जिद के मेहमान बैठा। यानी उनकी जिंदगी की सारी तश्कील मस्जिद से होती कि मैं मस्जिद से निकल रहा हूँ फिर मैंने मस्जिद में आना, अब मस्जिद से बाहर निकल रहा हूँ फलां फलां काम करने के लिए फिर मैंने मस्जिद में आना। हत्ता के उनके साथ यहाँ बहुत सारे मेरे साथी दोस्त बैठे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी उनके साथ बड़ी मोहब्बत है, उनके साथ भी होते तो उनके कहते मुझे 10 मिनट दे दो, आप बेशक यहाँ बैठे काम करें, मैं जरा मस्जिद में वुजू करके नमाज़ पढ़ के आया। यानी आप ये जानिए कि नवाफिल का इतना एहतमाम करते थे कि हम सुन्नत वक्ता और फर्ज का भी इतना एहतमाम नहीं करते। दूसरा, अल्लाह ने उनके अंदर एक अजीब खूबी रखी थी कि मस्जिद के हवाले से अपनी जेब में कुछ है नहीं है, लोगों से बातें सुननी सहनी बर्दाश्त करनी, लेकिन मेहनत करके मस्जिद की आबादी के असबाब में रखना। ये हमारे जो नीचे कमरे बने हुए हैं, मुझे कह रहे थे मेहनत करेंगे कुछ जमा हो जाएगा, आपके पास कोई पूंजी है तो आप बनवा दें। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने लगा के कमरे बना दिए, कितने सालों में हमने उसके वो पैसे वापस किए, वो हज उनको हज चौधरी साहब को पता, ये सामने वजू खाने यहाँ पर होते थे, ये सारे उधर मुंतकिल हुए, ये उनका सदका जारिया है, जब तक वजू होता रहेगा नमाजें होती रहेंगी, ये अजर उनके खाते में लिखा जाएगा। मस्जिद के मामला में बहुत आगे थे, हदीस पाक में आता कुरान में कि जिस शख्स को मस्जिद में देखो, मस्जिद की खिदमत करते देखो, मस्जिद का काम करते देखो, उसके ईमान की गवाही दिया करो, और जिसके ईमान की तुम गवाही देते हो अल्लाह उसको जन्नत को हासिल कर देते हैं। ये उन लोग तीसरी खूबी उस आदमी के अंदर अल्लाह ने एक अजीब रखी थी जो अखलाक की दुनिया की, हर आदमी को मुस्करा के मिलना, दुनियादारों की बजाय मुतवस्सित तबके के गरीब लोगों के साथ यारी रखना, उनके साथ ज्यादा दोस्ती रखना, उनके साथ हमदर्दी करना। ये हमारे भाई चौधरी अब्दुल कय्यूम साहब जाफर साहब ने अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा है, बहावलपुर में अल्लाह ने इनको बड़ा इनाम दिया है, यहाँ भी मुफ्ती देते हैं। कई गरीब आते थे जिनको कहते थे अच्छा फला दिन मेरा भाई आएगा मैं ले चलूंगा इंशाल्लाह, परेशान का उतना इलाज हो जाए, बारी साहब बैठे इनको पता, मैं उनके जिम्मे लगाता हूँ ये काम आपका वो कर दे। अपने साथियों की मिन्नत करके लोगों के साथ हमदर्दी कर, अल-खल्कु अय्यादुल्लाह वहब्बुल-खल्क़ इलल्लाह वदाफ़न इला अय्यादिही, सारी मखलूक अल्लाह का कुर्बा है, अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है जो उसकी मखलूक के साथ हमदर्दी करता। मेहमान नवाज तबीयत थे, जब जमातें यहाँ आती, हमारा एक नौजवान अभी मुझे नजर आया जमात का यहाँ करके बता अतीक साहब, अच्छा वो बैठा, तो जब भी कोई जमात आती आपस में दो तीन दोस्त बैठकर मशवरा करके जमात की ज़ियारत करते कि इनके बर्तन न खुलने पाए, हम इनके खाने का इंतजाम करें, हम इनके पीने का इंतजाम करें। हमारी मस्जिद में मेरे तालिबे-इल्म के जमाने से यहाँ का एक स्कूल है, मैंने भी 5 जमातें यहीं पढ़ी थी, मैं वो खुश नसीब हूँ कि इसी मस्जिद का शागिर्द हूँ, यहीं पर फिर मैंने 35 साल पढ़ाए हैं, और अभी भी यूं समझो तीसरी चौथी नस्ल में हमारा वो एक खानदानी ताल्लुक चला आ रहा है। इस मस्जिद के सुकून के लिए उन्हें कोशिश करते थे हर दौर में हर हुकूमत में कि बाहर कहीं जगह मिल जाए ताकि मस्जिद इन बच्चों से आजाद हो जाए, शायद उनकी वो दुआएं रंग लाई
अब हालात ऐसे बन गए हैं, कल परसों से मार्को साहब कह रहे थे, ये भी उनका सदका जारिया है कि अल्लाह के घर को खालिस इबादत के लिए बनाया और इस पर भी करती। मैं उनके बच्चों से और भाइयों से कहूंगा, ये मरकज और ये मस्जिद काम की है, आपकी जगह है, आपने इसको संभालना, आपने इसको आबाद करना है। उनके इस्लामाबाद मुंतकिल होने के बाद चौधरी बारी साहब अल्लाह ताला सलामत रखे, हिफाजत फरमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ये इस पर बड़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। मेरा आपसे सबसे गुजारिश ये है कि आप सब दीनी उमूर में इनके वाहिद बने। बात खत्म करता हूं, मैंने कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत की है, इसका खुलासा यह है कि अल्लाह फरमाते हैं कर अफरा मन तज़क्का, वो आदमी पाक कामयाब हो गया जो पाक हो गया, जो पाक हुआ वो कामयाब हुआ। क्योंकि इंसान आलूदगी गंदगी का मजमुआ है, गंदे पानी के कतरे बिखते हैं इंसान बनता है, मां के पेट में वही गंदगी होती है, हम पैदा होते हैं तो उस गंदगी का मजमुआ। आज खून निकले तो गंदगी है, पेशाब निकले तो गंदगी है, थोड़ा गंदा है पीस निकले तो गंदगी है, हम पेशाब पकाना करें तो सारी गंदगी है, लेकिन इस सारी गंदगी में रंग तो पाकीज़गी पसंद। अब तो पाकीज़गी क्या है, उलमा ने लिखा है चार किस्म की पाकीज़गी है अपने अंदर आदमी पैदा करे। सबसे पहले अपने ईमान को पाक रखे। हर आदमी ये कहता है मेरा ईमान जी, मैं इस बात का ईमान रखता, हिंदू भी कहता है, ईसाई भी कहता है, यहूदी भी कहता है, सिख भी कहता है। तो हकीकी ईमान क्या है? ईमान का नचोड़ और खुलासा यह है कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़ तर्जमान से निकला है, अकल की कसौटी पे परखे और तोले बगैर रसूलुल्लाह की ज़बान पर यकीन करना, ये वो है जो ईमान की पाकी। जिसका ऐसा ईमान है अल्लाह के नबी पर, अल्लाह की जात पर, वो कामयाब का पान। दूसरी पाकीज़गी, और ये पाकीज़गी हासिल कैसे होगी? ईमानी महाफिल में बैठने से, उलमा और ईमान वाले तस्करे करने वाले लोगों के साथ बैठने से। दूसरी पाकीज़गी आदमी के आमाल की पाकीज़गी है कि हमारी अमली जिंदगी बेहतर हो जाए। आजान सुनते हैं, मस्जिद में आते हैं या नहीं आते, रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं या नहीं करते, इबादत करते हैं या नहीं करते। मैं कल रात डेरा गाजी खान था, वहां एक जगह साथी ने तालीम कराई तो फजाइल आमाल, उसमें फजाइल जिक्र में से सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके पढ़ने की फजीलत थी। और दो तीन हदीसें थी, उनमें जो सबसे आसान हदीस थी ना, वो ये कि कम अज कम दस दस दफा पढ़ लो, अल्लाह उसके बदले में पूरा दिन तुम्हारे हिस्से में लिख ली। अब ये पढ़कर उन्हें किताब खत्म कर दी। मैं कहा यार जो पढ़ा है इस पर अमल भी कर लो। अब ये इतना मजमा बैठा है, अगर दस दफा पढ़ ले सुभान अल्लाह 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 दस दफा पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, दस दफा पढ़ लो, अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर, दस दफा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर की बीवी सैयदा उम्मे सलमा ने कहा बाबू ऐसा वजीफा बताएं जो बहुत आसान हो और जल्दी से पढ़ लो, लंबे चौड़े वजीफे नहीं पढ़ सकते। अब ये इतना आसान है कि आप चलते फिरते उठते बैठते दुकान खोलते बैठे हुए जल्दी से पढ़ लेते। हमारे एक बुजुर्ग फौत हो गए, वो फरमाया करते थे यार मैं अपने सारे मुरीदों को कहता हूँ मेरे लिए मगफिरत की दुआ करो, ना कर सको तो चलो एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के मेरी रूह को इशारे सवाब कर दो, ना कर सको तो तीन दफा सूरत इखलास पढ़ के मेरी रूह को बख्श दे, ये भी ना कर सको एक मरतबा कलमा तैयब पढ़ के बख्श दे, ये भी ना कर सको तो एक दफा कह देना अल्लाह, मैं सिर्फ इसका सवाब दे देना, इसलिए कि अल्लाह का नाम तो पूरी कायनात पे हावी है, मेरी आखिरत हो जाए। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं,
कि हम अपनी जिंदगी के ये मामूलात बनाए। भाई महमूद की खूबियों में से ये था कि उसने अपना ईमान भी पाक किया था, अपना अमल भी पाक किया। तीसरी पाती इसकी ये है कि अपने अखलाक पाक करो, हुस्न सुलूक। नेकी की तारीफ हदीस में यही है, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क वल इस्मुहा फी सदरी। नेकी अच्छे अखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में करते और तू उसे बुरा मायूब समझे कि लोगों के सामने इसका इजहार ना। तो अच्छे अखलाक से पेश आना, खंदा पेशानी से किसी को मिलना, मुस्कुरा के बात करना, आप उसकी हजार हाजत पूरी कर दें लेकिन मूड बना के करें, उससे बेहतर है कि बेशक उससे माफी मांगे लेकिन मुस्कुरा के तो मिले। ये सबसे बड़ी चौथी पाकीज़गी ये है कि अपने माल को पाक करें। माल की पाकीज़गी एक तो ये है कि हलाल कमाओ हलाल खाओ। मैं एक समझ सकता हूं या कह सकता हूं कि अल्लाह ने भाई महमूद के हिस्से में रिज़्क़ हलाल किया। कोशिश करते थे, मसाइल पूछते थे, हजरत मियां साहब की खिदमत में जाते, मरकज में शबे जुमा को मुस्तकिल जाते, मशवरे में मुस्तकिल जाते, यहां होते तो जो आलिम और इमाम होता उससे मसाइल पूछते। तो अपने माल को एक तो यह है कि हलाल कमाओ हलाल, दूसरा यह है कि उस कमाई में भी एक हिस्सा है रब का जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों पर खर्च करो। ज़कात सदका अतिया ये दोगे तो तुम्हारा माल पाक हो जाए। जब ये चारों पाकीज़गियां हमें मिल जाएंगी तो फरमाया ज़कर अस्मा रब्बी ही, फिर रब के नाम के जिक्र करने की तुम्हें लज्जत मिले। सुभान अल्लाह, हर काम की लज्जत महसूस करते हैं, टिकटॉक देखते हैं, गाने सुनते हैं, महफिलें होती हैं जनाब, मुख्तलिफ किस्म के उनवानात मजालिस तकरीबात जिनको हम दीन समझते हैं होती दुनिया की बहुत सारी महफिलें, में इस पर कुछ मुस्बित मनफी तबसरा नहीं करना चाहता लेकिन अल्लाह के नाम का जिक्र भी मेरे दिल को लगता। उसकी वजह यह है कि हमने अपना मिजाज ही नहीं बनाया। ना माल पाक है, ना ईमान पाक है, ना आमाल पाक है, ना अखलाक पाक है, तो जिक्र की लज़्ज़त कैसे आएगी। फरमाया आखिरी नेमत यह है कि फसल्ला, फिर तुम्हें नमाज में लज़्ज़त आएगी। ऐसे महसूस होगा कि रब के सामने खड़े हो, कान न कतरा हो उसको देख रहे हो, फैलन तकुन तरा हो फैलहु यरा, तुम नहीं देखते वो तो देख रहा है। फरमाया कद अफला मन तज़क्का व ज़कर इस्मा रब्बिही फसल्ला। आगे कुरान मजीद ने हमारी हकीकत बयान की, फरमाया बल तुसिरून अल हयातद दुनिया, तुम्हारी हालत ये है कि दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हो, माल हो, दौलत हो, हवस हो, हिर्स हो, पैसा हो, जमा करना हो, ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, ये बिल्डिंग बना लूँ, वो कोठी बना लूँ, इतनी जमा कर लूँ। अब वो सारा जमा किया हुआ कहाँ है, आदमी कब्र में सो रहा है, पीछे सब कुछ बात सुन अच्छी हो चुका है। फरमाया बल तो सिरून अल हयातद दुनिया, हालांकि बल आखिरत खैरुन व अबका, आखिरत बाकी भी है बेहतर भी है। और बड़ी अजीब बात फरमाई, इन हाजा लफिस सुहुफिल उला, अल्लाह की ये तकरीर जो मैंने अभी आपको आसमानी किताबों में सोहे इब्राहिम और मूसा, इब्राहिम और मूसा की बातों में भी थी। मैं कभी सोचता हूँ कि दो नबियों का जिक्र किया, हालांकि किताब सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी, सहीफे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे। इन दोनों नबियों का मुकाबला दो बड़े बादशाहों के साथ, मूसा की टक्कर थी फिरौन के साथ, इब्राहिम की टक्कर थी नमरूद के साथ, दोनों खुदाई के दावेदार थे और ये दोनों उनके मुकाबले में बहुत कमजोर थे। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, मेरा जिक्र करो, ईमान और अकीदे की और अमल की और अखलाक की पाकीज़गी अख्तियार करो, तो फिर तुम खलील व कलीम की तरह वक्त के नमरूदों को और फिरौनों को तह तह करके अल्लाह तुम्हें हावी और हाल कर देगा। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को कबूल करे, मरहूम के दर्जात बुलंद करे। मैं इस पर आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि और जब से मैंने पढ़ी थी आज से मेरा अंदाज़ा है कि 20-25 साल हो गए होंगे, कि जो शख्स किसी कब्रिस्तान से गुजरे और 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के नियत करे कि इस कब्रिस्तान के मुर्दों को अल्लाह अजर अता फरमाए, ये जो मैंने पढ़ा है अल्लाह इनकी रूह को बख्शे, फरमाए जितने कब्रिस्तान में मुर्दे हैं उनको तो जो सवाब मिलता है, पढ़ने वाले को उन तमाम मुर्दों की नेकियों के बराबर अल्लाह अजर अता फरमाए। छोटी सी नेकी है कितना बड़ा है। मैं गाड़ी पर भी जा रहा हूँ और कब्रिस्तान पे नजर पड़े तो मैं 11 मरतबा पढ़ना शुरू कर देता हूँ कि अपने पल्ले कुछ नहीं, चलो उनके सदके को लेके आ सकता हूँ। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि और कुछ नहीं तो भाई महमूद को अपनी दुआओं में याद किया, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के उनकी रूह को बख्श दिया,
उनके बच्चों से गुजारिश करूंगा, उन्होंने बेटों को कुरान का हाफिज बनाया, दीन दुनिया की सारी नेमतें उनके लिए उन्होंने मेहनत की और उनके लिए ये सफर किए, उनके लिए मदरसे बेफजल हुए। तो बच्चों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों की उन बाकियात सालहात को हमेशा बाकी रखें और उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल करें। साथ ये पेशा आया है भाई महमूद पर कलाम लिखा हुआ है। रात हमने बड़ा लंबा सफर किया, 2 बजे के करीब घर